हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात होगी 30 हिंदी के प्रश्नों पर और आपके 10 प्रश्न होंगे मैथ के, यानी टोटल 40 प्रश्नों पर बात होगी। अगर आप 40 में से 35 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, नेटवर्क इशू की वजह से जो है मैं आपसे नहीं जुड़ पाया, उसके लिए सॉरी। और जैसे ही नेटवर्क सही होता है मैं आपसे जल्द लाइव जुड़ूंगा, ठीक है। लिखा हुआ है, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो मुश्किलों का सामना जो है हिम्मत से करना है, ना कि बुजदिली से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं 40 में से कितने प्रश्न आप लोग सही करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा, सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और कमेंट में जो है फटाफट बताइएगा क्या जवाब है किस प्रश्न का और कितने प्रश्न आप लोगों ने 40 में सही करे हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तालव्य सा, मूर्धन्य हा, दंतीय सा या ओष्ठय पा। तो आपका क्या जवाब होगा फटाफट बताइए। बिल्कुल, निम्न में से सुमेलित नहीं है कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब है, मूर्धन्य जो है ये हा नहीं होता है, ये आपका सा होता है, ठीक है। तालव्य जो है इस प्रकार की सा बनती है और दंती ये वाली सा बनती है, ये मतलब संयम वाली और ये सांप वाली, ठीक है। ओष्ठय, ओठों से आवाज़ जो निकलती है वो पा वर्ग वाला होता है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन सही होगा। मुझे पता है आप लोग जो है अच्छे से कर रहे होंगे प्रश्नों को। अगला है, तो दूसरा प्रश्न बताना आपको, निम्न में से कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी है, भगीरथी, साप्ताहिक, निरान या बरात। देखते हैं कौन बताएगा इसका जवाब। और बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है। इसका ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही है, बारात जो है इस तरीके से बिल्कुल सही होता है, ना कि बारात, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें आपका यही सही होगा। और भागीरथी को क्या लिखते हैं? भागीरथी। क्या लिखते हैं? भागीरथी। और साप्ताहिक में क्या लिखते हैं? साप्ताहिक में बड़ा का डंडा लगेगा सामने, ठीक है। निरन्न को निरन्न लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ठीक है, निरन्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, लिखा है, शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सा होगा। देखिए, दंपत्ति जो है वो किस हिसाब से एकदम सही होगा, आपको बताना है क्या जवाब होगा आपका। देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही होगा, इस हिसाब से दंपत्ति लिखा जाता है। अगला है, संधि विच्छेद नवोढ़ा का निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ओढ़ा, नवो प्लस ओढ़ा या नव प्लस ओढ़ा। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। और आपका जवाब आ भी चुका है, मुझे पता है आपका ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? बी सही है, नव प्लस ओढ़ा। अगला प्रश्न, कौमी का संधि विच्छेद निम्न में से है, कौमी का संधि विच्छेद निम्न में से होगा, कौम प्लस मी, कौम प्लस ई, कौम प्लस ई, कौम प्लस मी। तो बताइए आप लोग इसका क्या जवाब होगा। कौमी का संधि विच्छेद होता है कौम प्लस बड़ी, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गिरीश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, गिरीश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, गिर प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश या गिरी प्लस ईश। बताइए आप लोग फटाफट इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल, आपका जवाब ऑप्शन डी सही है, इसी हिसाब से जो है आपका गिरीश का संधि विच्छेद होगा, बाकी आपके सारे गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा, खटिया में प्रत्यय होगा या प्रत्यय, या ई या अय्या, खटिया में कौन सा प्रत्यय होगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है और आप सभी लोग जो है अच्छे से जुड़े हुए हैं, ये अच्छा लगता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही है, क्या होगा? इया, इया। खटिया में आपको समझ में आ रहा है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो आपका इया ही होगा, ना कि थर्ड वाला। अधेला में प्रत्यय है ला, एला, इला या एल, अधेला में कौन सा प्रत्यय होगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है, मुझे पता है ऑप्शन बी होगा, एला, क्या होगा? अधेला। अगला है, लाल मणि में समास है द्वंद्व द्विगु बहुव्रीह कर्मधारे, लाल मणि में कौन सा समास है, द्वंद्व द्विगु बहुव्रीह या धर्म कर्मधारे। बिल्कुल आपका जवाब क्या होना चाहिए? कर्मधारे होना चाहिए, आपका ऑप्शन डी सही है, कर्मधारे। लाल मणि, लाल है जो मणि, कर्मधारे समास होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा।
अगला है कला श्रेष्ठ में कौन सा समास है। कला श्रेष्ठ में समास होगा द्वंद्व द्विगु बहुब्री या कर्मधारय। कला श्रेष्ठ में कौन बताएगा इसका जवाब, बहुत ही आसान से प्रश्न है। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ यानी अधिकरण तत्पुरुष, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष, जिसने भी तत्पुरुष इसका ऑप्शन लगाया होगा मतलब तत्पुरुष सोचा होगा उसी का ऑप्शन ये सही है। तो आपके सारे ऑप्शन गलत हैं, कला श्रेष्ठ में होगा, कला में श्रेष्ठ यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। अखरोट शब्द कैसा है, तुर्की पश्तो पुर्तगाली या फारसी। अखरोट शब्द निम्न में से कैसा है, तुर्की पश्तो पुर्तगाली या फारसी। अखरोट शब्द जो है ये पश्तो है, क्या है, पश्तो। अगला आपके लिए प्रश्न है, लिखा है तत्सम शब्द निम्न में से है, क्षेत्र क्षमा गात या घर। तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा होगा, बिल्कुल सही जवाब है, मुझे पता है आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से इसको कर रहे होंगे, क्योंकि लाइव सेशन नहीं है तो जो है बात नहीं हो पाएगी, केवल आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, बाकी आशा है आप लोग जुड़े रहेंगे अच्छे से। तत्सम शब्द होगा आपका क्षेत्र, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इसका तद्भव क्या होता है, खेत। क्षमा का तत्सम क्या होता है, इस हिसाब से क्षमा लिखा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और गात का क्या होता है, गात, ये तत्सम है। और घर का क्या होता है, ग्रह। ये आपके तीनों क्या हैं, तत्सम हैं, और ये आपका क्या है, तद्भव है, और ये आपके क्या हैं, तीनों तद्भव हैं। अगला प्रश्न हमारा, तद्भव शब्द निम्न में से है, ससुर छकड़ा सरकर या शून्य। तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है, मुझे पता है आप लोग बिना देखे बिना समझे जो इसका जवाब बताएंगे, और आपका ऑप्शन सही होगा छकड़ा, ठीक है। ससुर को तत्सम कहते हैं, तत्सम में यही, और तद्भव में ससुर कहते हैं जो, और छकड़ा का जो है आपका तत्सम क्या होता है, सकट, और सरकर का होता है शक्कर, शून्य क्या होता है, सूना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब ससुर जो है तत्सम वर्ड है, ससुर तद्भव है, छकड़ा आपका क्या है, छकड़ा आपका तद्भव है, और इसका क्या तत्सम होगा, सकट, तत्सम नहीं तद्भव होगा सकट, और सरकर का जो है, सरकर आपका तत्सम है और इसका तद्भव होगा शक्कर, शून्य का तत्सम होगा सूना, शून्य का तद्भव जो होगा आपका सूना होगा। ये जो सरकर शून्य और ससुर है ये आपके तत्सम शब्द हैं। अगला है, तांबा में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक द्रव्यवाचक जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तांबा में कौन सी संज्ञा होगी, सभी को पता है द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, आपका बी ऑप्शन सही है। मैं हाथ खुजलाता हूँ में कौन सी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक प्रेरणादायक या इनमें से कोई नहीं। मैं हाथ खुजलाता हूँ, बिल्कुल क्रिया का जो है प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज पर, इसीलिए जो इसमें सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कोई आ गया तो क्या करोगे में कोई क्या है, कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। कोई आ गया तो क्या करोगे में जो है कोई क्या है आपका, सभी को पता है कोई मतलब कोई भी हो सकता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका होगा। अगला है आपका, गाय का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, नवनीत गौरी भद्रा या दोगधी। दोगधी को इस हिसाब से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो गाय का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, नवनीत गौरी भद्रा या दोगधी, कौन बताएगा इसका जवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गाय का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, नवनीत, नवनीत जो होता है ये गाय का पर्यायवाची नहीं होता है, ये किसका होता है, ये घी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, घी को घृत भी कहते हैं, ठीक है। गधा का पर्यायवाची आपको पता है, गधा का बहुत सारे पर्यायवाची जैसे वैशाख नंदन खर गर्धव रासव धूसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है, अगला प्रश्न ही है, कुछ लाइनें लिखी हैं और आपको वाह वाह जरूर करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात लिखी है, इन पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी जो है आपको पता रहना चाहिए। लिखा है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने को कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, बिल्कुल आप सभी लोग वही हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, गुरु और शिष्य का ऐसा ही रिश्ता होता है।
तो अच्छी लगी हो तो वाह वाह जरूर करना। अगला प्रश्न, शोषक का विलोम शब्द होगा चूषक, मूषक, पोषक या दोषक? कौन बताएगा इसका जवाब? शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, चूषक, मूषक, पोषक या दोषक? सभी को पता है शोषक का क्या होता है, पोषक होता है। नीरस का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा इसका जवाब? नीरस का विलोम शब्द क्या होता है, आरस, सरस, मीठा या सीठा? बिल्कुल नीरस का क्या होता है, सरस होता है, सभी को पता होगा, मुझे पता है नीरस का सरस होगा। अगला, भोजन करने की इच्छा क्या आपका ऑप्शन से होगा? भोजन करने की इच्छा, मुमुच्छा, भुगुच्छा, बुभुच्छा या मुमुच्छ? बिल्कुल बताएंगे भोजन करने की इच्छा क्या होगा, बुभुच्छा आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुच्छा, और मोक्ष प्राप्त की इच्छा रखने वाला मुमुच्छ, ठीक है। अगला प्रश्न, जो कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, जो कभी पहले ना हुआ हो, भूत, भूतपूर्व, अभूतपूर्व या भाविष्ट पूर्व? जो पहले कभी ना हुआ हो वो होगा आपका अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं, अविजय, अजेय, कालजयी या दिग्विजयी? तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं, कैसे, अविजय, अजेय, कालजयी या दिग्विजयी? ये होंगे कालजयी। तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले होते हैं, आपका ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न, वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर हो गया, क्या हो गया, तप, तृप्त, तृप्ता या तृण? देखते हैं कौन बताएगा इसका जवाब। वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर क्या हो गया, तप हो गया, तृप्त हो गया, तृप्ता हो गया, तृण हो गया? बिल्कुल आपका जवाब सही है, तृप्त हो गया, बी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, जब आप खाना खा लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, ना कि तप हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन तृप्त। अगला प्रश्न हमारा, लिखा है मुंह का निवाला होना, मुहावरे का निम्न में से क्या अर्थ है? बहुत आसान काम, अत्यंत प्रिय, बहुत कठिन काम, स्वादिष्ट एवं प्रियकर। मुंह का निवाला होना क्या होगा भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान काम, पहला ऑप्शन आपका सही है, मुंह का निवाला होना। अगला प्रश्न हमारा, लिखा है टिप्पस लगाना मुहावरे का निम्न में से क्या अर्थ होगा? झूठी बातें, मिलना, मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना या रिश्वत देना? टिप्पस लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल सही जवाब है आपका, टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होगा सिफारिश करना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर गंगे का क्या अर्थ है? मजबूरी में काम पड़ना, पढ़ना होगा या पढ़ना नहीं, क्या होगा, पढ़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मतलब मजबूरी में काम करना, आपका पहला ऑप्शन सही होगा एकदम। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, एक मोती उससे ना गिरे। ये पंक्ति जो है किसकी है, तुलसीदास जी की, अमीर खुसरो कबीरदास जी या होलराय जी की? बिल्कुल तुलसीदास जी, अमीर खुसरो, कबीरदास जी, होलराय जी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, एक मोती उससे ना गिरी, ठीक है, उससे एक मोती ना गिरे, तो क्या होगा? ये कहा है अमीर खुसरो जी ने, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठी छमाही दान, छठे छमाही दान, छमाहे, छमासे कह सकते हैं, यहाँ पर छमासे भी लिख सकते हैं, लेकिन छमासे ही सही होगा। लिखा है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे छमासे दान, मे रस होगा, हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस या शांत रस? बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए इसमें जो है मजाक की बात आ रही है, इसी वजह से इसमें हास रस होगा, आपका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रहा में कौन सा अलंकार है, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक? दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रहा में कौन सा अलंकार होगा, कौन बताएगा? बिल्कुल ये होगा आपका उपमा अलंकार, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। और लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है,
ससमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ससमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक? बताइए आप लोग, ससमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में अलंकार आपका होगा रूपक अलंकार, आपका ऑप्शन डी सही है। अंतिम प्रश्न है हमारा, मैं हाथ खुजलाता हूँ, ये तो हो चुका है, मैं हाथ खुजलाता हूँ में कौन सी क्रिया होगी सकर्मक, अकर्मक या प्रेरणादायक? तो मैंने आपको बताया है बिल्कुल आपका सकर्मक होगा और पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और देखिए कमेंट करके बताइएगा, ये तो 30 जो है रिपीट हो गया, आपको बताना है कि जो है माता और पिता में कौन सा समास होगा, ठीक है, ये आपका 30वां प्रश्न हो जाएगा। तो इसी हिसाब से 30 प्रश्न हमारे हिंदी के समाप्त हुए, अब करेंगे हम लोग मैथ के प्रश्न। देखिए एक प्रश्न बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं और आपको पढ़ के मज़ा भी आएगा, वाह वाह तो करना बनता है। आपका लिखा है, जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं तो रोकते क्यों हो, तन्हाई में मेरे बारे में सोचते क्यों हो, जब मंजिलें जुदा हैं तो जाने दो मुझे, लौट के कब आओगे ये पूछते क्यों हो। वाह क्या बात लिखी हुई है, एक बार फिर से पढ़ा जाए। जब मुझसे मोहब्बत ही नहीं तो रोकते क्यों हो, तन्हाई में मेरे बारे में सोचते क्यों हो, जब मंजिलें जुदा हैं तो जाने दो मुझे, लौट के कब आओगे ये पूछते क्यों हो। तो इसी के साथ जो है अपने 10 प्रश्न शुरू करेंगे गणित के, देखते हैं कौन सही कर पाएगा, और बहुत ही आसान से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यदि पी का पी परसेंट 36 हो तो पी की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल आप लोग बताइए इसका क्या जवाब होगा, पी का पी परसेंट 36 है तो पी की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग जो है इसका जवाब बताएं, और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पेन और पेपर उठा लें, इसी प्रकार के आसान आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी की गुणा पी से होगी तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 36 की गुणा 100 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 3600। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ठीक है स्क्वायर मतलब स्क्वायर इधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वर्गमूल में चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 × 60 यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी पी की 60। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो है मैंने कल आपको कराया था और देखते हैं कौन इसका जवाब बता पाएगा। मैंने बताया था इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। लिखा है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? आप लोग फटाफट जवाब बताइए, और अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि मैं प्रश्न जो है करता रहूँगा और आंसर आपका जिससे जल्दी आ जाए। लिखा हुआ है देखिए, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2160 होता है, ठीक है। तो किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है फार्मूला होता है 2n − 4 × 90, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं 2n − 4, देखिए हाँ वो तो सही है, देखिए 90 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 0 0 कट गया, ठीक है, 9 × 2 = 18 और नचोक 36 भाई, ठीक है। और 2n − 4 + 24 क्या आया है, 2n − 4 = 24, 2n − इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 24 में 4 जोड़ दिया 28, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो आपका ऑप्शन 14 सही है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2n − 4 × 90, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा, 33.5%, 12.5%, 13 सही 1/3% या 25%, आपको बताना है क्या होगा इसका जवाब। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा, बिल्कुल बताइए आप लोग, बिल्कुल बताना है इसका होगा आपका, बिल्कुल इसका होगा आपका पहला ऑप्शन सही, ठीक है। तैंतीस सही 1/3%। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा, लिखा है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार के अंदर
अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार मैदान बनाया गया है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, एक वृत्ताकार आपका क्या है, ये मैदान है, और इसका व्यास कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर जो है सबसे बड़ा जितना बन सकता है उतना वर्गाकार एक मैदान बनाया गया है। इसका जो मतलब व्यास है, जो आपका वृत्ताकार आकृति बना हुआ है, इसका व्यास है 80 मीटर। तो यही आपका बन जाएगा वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट दो बराबर 80 मीटर। इनका जो है क्या कर देंगे हम लोग, जो है दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 68 64 100। ठीक है, अब ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3200। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 3200 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु, यदि कोई दुकानदार है वो 390 मतलब किसी वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% लाभ लेता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। 20% लाभ ले रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 120 बराबर, लाभ हो रहा है ना तो 100 में जुड़ जाएगा, 120 बराबर 390, एक बराबर कितना हो जाएगा, 390 बटे 120, और 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। इसको जब हल करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 325, कितना आ जाएगा, 325। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, यदि एक धनराशि साधारण व्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि उसी ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई धनराशि ए है और वो 10 वर्षों में 2a हो जाती है, तो उसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2a माइनस a बराबर a आ जाएगा। तो मूलधन और मिश्रधन आपके क्या हो जाएंगे, मूलधन a, ठीक है, और साधारण ब्याज आपका a। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हमने बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूसाद अपान 100, क्या होता है, मू समय कितना है 10 और r ये हो जाएगा, ठीक है, और काट दीजिए, r बराबर आ जाएगा 10 पहले के अनुसार से। अब दूसरे में रख लेते हैं, लिखा है 3 गुना, 3 गुना कब हो जाएगा, ठीक है, तो 3 गुना हो जाएगा, तो 3a माइनस a बराबर 2a, तो आपका जो ब्याज है कितना हो जाएगा 2a, और धनराशि आपकी a है, समय आपको ज्ञात करना है, और ब्याज दर आपको कितनी पहले थी 10, काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, t बराबर 20 वर्ष, आपका ऑप्शन 20 वाला यानी d सही होगा। अगला प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। बिल्कुल, घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है, तो 15 × 15 × 15 कर लीजिए, ठीक है, ये तो बड़े वाले का हो गया, छोटे वाले का क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कर लीजिए अपना, काटेंगे तिपज 15 तिपज 15 और तिपज 15, आपके कितने आ जाएंगे, 125। पाई कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय अभाज्य या इनमें से कोई नहीं, पाई जो है आपकी कैसी संख्या है बताइए आप लोग, ये होगी आपकी अपरिमेय। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इकाई का अंक बताना है इसमें, निम्न में से क्या होगा इकाई का अंक, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो गुणे में है तो सारे इकाई के अंक ले लीजिए, 378 में इकाई का अंक 8, 336 में 6 और 459 में 9 और 312 में 2, ठीक है, अब गुणा करेंगे, 8 × 6 = 48 में जो है 8 इकाई का अंक है और 9 × 2 = 18, ठीक है, तो 18 में इकाई का अंक आपका 8 है, 8 × 64 मतलब आपका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है, मतलब इकाई के अंकों की गुणा करते जाइए और आपका जो इकाई का अंक आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2, 3, 4 या -2, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। बिल्कुल, आपका जवाब पहला होगा, मुझे पता है, और ऑप्शन आपका पहला ही सही है, 2 वाला। लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल, आग लगी दिल में जब वो खफा हुए, एहसास हुआ तब जब वो जुदा हुए, करके वफा वो हमें कुछ ना दे सके, लेकिन दे गए बहुत कुछ जब वो बेवफा हुए,
इसको पढ़िएगा और मज़ा करिएगा। और कितने प्रश्न आप लोगों ने सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।